हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हरियाणा में भर्ती निकली थी जिसमें 2050 पद थे। हाँ जी, जिसमें 2050 पद थे, उस भर्ती पर रोक लगा दी गई है। वो रोक क्यों लगी है, क्या रीजन है, कौन सी भर्ती है, कब फॉर्म भरे गए थे, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, यहां पे बात कर लेते हैं हम इस भर्ती के बारे में कि क्यों रोक लगी है। तो आपको पता होगा दोस्तों, एक भर्ती निकली थी आपकी जो स्पोर्ट्स और असिस्टेंट की, जो भर्ती थी अभी स्पोर्ट्स एंड असिस्टेंट जो स्कूल में लगने थे, 2050 के आसपास पद थे। 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकते थे, जो पीटीआई थे वे भी अप्लाई कर सकते थे। तो उस भर्ती पर रोक लगा दी गई है कल। क्यों रोक लगाई गई है वो आप जब तक नहीं समझोगे, और दोस्तों आपको पता भी चलेगा क्या पोस्ट का नाम क्या है इसमें, स्पोर्ट्स एंड स्पेशल स्कूल असिस्टेंट, ये आपकी भर्ती थी दोस्तों। क्या है, स्पोर्ट्स एंड स्कूल स्पेशल असिस्टेंट, इसके पदों पर ये भर्ती निकली है और इस भर्ती पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्यों लगाई है, इन बच्चों ने केस कर दिया। इसमें क्या है, जो पीटीआई थी आपकी, जो पीछे पीटीआई की भर्ती कैंसिल हुई थी फिर दोबारा भर्ती की गई, पीटीआई वाले बच्चे थे वे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते थे, योग्य थे। इनको क्या था, 1 साल के 10 नंबर एक्सपीरियंस के मिलते हैं, सॉरी 60 नंबर एक्सपीरियंस के इनको मिलते हैं और दूसरों को मिलते हैं 10, 20, 40 नंबर एक्सपीरियंस के, किसी ने और जगह के काम किया हो। तो बच्चों ने ये केस कर दिया कि भाई ये भेदभाव है, पीटीआई को 10 साल इन्होंने काम किया है तो इनको 60 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन हमने काम किया है 10 साल तो हमने 40 नंबर ही मिल रहे हैं। और इन्होंने फर्क क्या था भाई, किसी ने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है और स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ काम कर रखा है, उनको नंबर ज्यादा दे रही है सरकार। जिन्होंने गवर्नमेंट में काम करा लेकिन वो स्पोर्ट्स से नहीं है, उनको थोड़े कम दे रही है। और ऐसा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, उनको थोड़े और कम दे रही है। इस तरीके से भेदभाव किया सरकार ने और इस भर्ती पर हाईकोर्ट ने सटे लगा दिया दोबारा से कि इस भर्ती को अभी कंप्लीट नहीं किया जाए, सटे लगा दिया दोस्तों, क्योंकि इसमें जो एक्सपीरियंस के नंबर है उसमें भेदभाव किया गया, अलग अलग तरीके से नंबर दिए गए हैं। ठीक है, पीटीआई का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस इनको 60 नंबर मिल जाएंगे तो सिलेक्शन ही नहीं कहा होगा, जो और फॉर्म भरवाए हैं उनका तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, इसलिए इस भर्ती पर स्टे हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा आप हमारी बुक को ले सकते हैं, इसमें क्या है, गाइड बुक है ये, कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा स्पेशल, जिसमें सभी सब्जेक्ट की थ्योरी दी गई है। 2018 में जो पेपर हुए थे पेपर भी इसके अंदर दिए गए हैं। आप इस बुक को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप हरियाणा पुलिस का लाइव वीडियो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर लाइव वीडियो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और यह ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लाइव ही वीडियो देखने को मिलेगी, लाइव के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी देखने को मिलेगी केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर मात्र 999 रुपए में। दोस्तों, वैसे फीस 12,000 रुपए होती है, लेकिन आप सभी की सहायता हुई, हर बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन कर पाए, पैसे की वजह से कोई बच्चा पीछे न रह जाए, इसलिए मात्र 999 रुपए में आपको कोर्स दिया जा रहा है और लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। आप केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आज क्लास 3 बजे स्टार्ट हो रही है। धन्यवाद, भगवान के आप सभी का समय शुभ रहे।